बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय उर्दू चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम गूगल क्रोम को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ अवकात ऐसा होता है कि ये या तो विंडो के साथ इंस्टॉल नहीं होता तो या हमें इसे इंस्टॉल करने में कुछ मुश्किल पेश आती है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि हम ईज़िली कैसे इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसका ये तो एक ये फ़ायदा है कि एक तो ये सिक्योर ब्राउज़र है और दूसरा कुछ ऐसी वेबसाइट भी होते हैं जो इस पर चलती हैं और दूसरे किसी ब्राउज़र पर नहीं चलती हैं। तो सबसे पहले हमें अपने विंडो एक्सप्लोरर में आना है। विंडो एक्सप्लोरर में आने के बाद इधर हमें सर्च करना है google.com। तो मैं इधर google.com सर्च करता हूँ। ये देखें, इधर मैंने लिखा हुआ है www.google.com। तो मैं इधर एंटर करता हूँ। तो इधर एंटर करने के बाद गूगल ओपन हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट उधर ओपन करते तो गूगल क्रोम उधर ओपन ना होता। तो इधर गूगल ओपन करने के बाद इधर हम लिखते हैं गूगल क्रोम, तो फिर इसे सर्च करते हैं। तो मैं अब सर्च करता हूँ। तो ये देखें, ये जो ये वाली लाइन इधर देखें, www.google.com क्रोम, यहाँ पे क्लिक करना है हमें। तो जैसे ही हम इधर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये गूगल क्रोम हमारे पास डाउनलोडिंग के लिए आ गया है। तो डाउनलोड क्रोम इधर हमने क्लिक करना है। ऊपर भी एक ऑप्शन है, वहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो कहीं पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है गूगल क्रोम वहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, जो नीचे लिखा हुआ है गूगल क्रोम वहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे इधर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मैं इधर क्लिक करता हूँ, तो इसे सेव पे क्लिक करना है। ये लोकेशन पूछ रहा है कहाँ पे सेव करना है, आप कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद ओपन फोल्डर, मतलब जहाँ पे हमने सेव किया है उस जगह में जाने के बाद इसे फिर ओपन करना है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। तो आप इधर फिर रन के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों, इधर ये ख्याल करना है कि आप लोगों का लैपटॉप या कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा तो ये फिर डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं होगा। अब ये देखें, चेकिंग द इंटरनेट, ये इंटरनेट को चेक कर रहा था कि इंटरनेट है या नहीं है। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो ये डाउनलोड नहीं होगा। तो अभी ये डाउनलोड हो रहा है, तो जब तक ये डाउनलोड होता है मैं वीडियो को पुश कर देता हूँ, उसके बाद प्ले करता हूँ। तो दोस्तों, हमारा ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसे इंस्टॉल करते हैं, मतलब ये ऑटोमेटिक ही इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है और ये देखिए इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद नीचे आप देख सकते हैं उसका आइकन भी ज़ाहिर हो गया है और ये गूगल क्रोम ओपन भी हो गया है। इसके बाद गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है और इधर आपको आपकी फेवरेट वेबसाइट सिलेक्ट करनी है, मतलब कौन सी वेबसाइट आप ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें, मेरा गूगल क्रोम ओपन हो गया है। तो मैं इधर youtube.com ओपन करता हूँ, जो मैंने सेलेक्ट की थी। तो ये देखें, ये YouTube ओपन हो गई है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।